अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में आपको समझाऊंगी कि एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान कैसे होता है और आपको आने वाले 3 महीनों में एक अच्छा सा एक निज़ाम कायम करने में क्या हेल्प कर सकता है लेसन प्लानिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जो टॉपिक लेसन पढ़ाने वाले हैं वो लेसन को आप जो है कितने हिस्सों में आप जो है उसको चंक करेंगे। चंकिंग ऑफ द लेसन इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, कितने हिस्सों में? फॉर लैंग्वेजेस इट इज़ वेरी इजी, यू कैन गो विथ LSRW मोड। ओके, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, देन यू कैन गो विथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, ये हो गया। फॉर मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज यू कैन गो विथ द कॉन्सेप्ट्स। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड चंकिंग। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चंकिंग के हिसाब से 4 या 5 आप वो डिसाइड कर लीजिए। सो द फर्स्ट थिंग इज चंकिंग। डोंट एवर एवर थिंक दैट द एंटायर लेसन कैन बी कंप्लीटेड जस्ट एट अ स्ट्रेच। चंकिंग इज द की, राइट? सेकेंड थिंग, एवरी चंक विल हैव इट्स ओन आउटकम। एंड यू नो, फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल इफ यू शेयर द आउटकम्स विद द स्टूडेंट्स। बेटा हम ये पढ़ रहे हैं आज, तो दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी लर्निंग दीज थिंग्स। ओके, सो दैट हैज टू लर्निंग आउटकम्स। और एवरी टीचर कैन हैव लर्न हाउ टू ड्राफ्ट लर्निंग आउटकम्स, हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, आउटकम्स लिख लिए और आपके जहन में हो कि एक लेसन पढ़ाने कितने दिन का टाइम आप ले रहे हैं, प्राइमरी को अलग, हाई स्कूल को अलग। ओके, यू कैन गो विद 10 to 12 डेज फॉर 1 chapter इन प्राइमरी, एंड यू नो एज देर आर 3 segments इन हाई स्कूल, यू कैन गो विद 20 to 21 डेज फॉर 1 particular यूनिट। ओके, नाउ कमिंग बैक, आफ्टर दैट नंबर ऑफ पीरियड्स आपको तो मालूम है कि 6 पीरियड्स हैं, 6 पीरियड्स इन लैंग्वेजेस, एंड इफ इट इज मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल अलग रहता है और दैट इज डिफरेंट। आफ्टर आउटकम्स देन यू हैव टू थिंक लाइक उस मॉड्यूल को आप पढ़ा रहे, बट रिमेंबर दैट वेन एवर यू गेट इन साइड गेट इन टू योर क्लास इट इज़ द इनिशियल इनफॉर्मल एंगेजमेंट। इनिशियल इनफॉर्मल एंगेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों का अटेंशन होना है, फोकस होना है। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आपको उनको एक लेवल पर लेकर आना है। सो दैट्स हाउ यू एंगेज दैम विद सो मैनी एंगेज एक्टिविटीज़ दैट आर अवेलेबल ऑन नेट। यू कैन लुक इन टू दैट और आई अटैच द PDF इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, एक्सप्लोर, यू नीड टू एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट्स थिंक अलाउड। उन लोगों को सोचना है, उनको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कम अप विद सम क्वेश्चंस दैट ट्रिगर द वैल्यू इनसाइड। ओके, एंड देन दे गेट सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल लाइक विच टॉपिक यू आर गोइंग टू टेक। तो एक्सप्लोर में मकसद यही है कि आप प्रॉम्प्ट्स आप इस किस्म से सवाल करते हो कि बच्चे खुद ही टॉपिक के तरफ से लीड हो जाएंगे, टॉपिक के पास लीड हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्लोर, दैट यू हैव टू ट्रिगर देयर क्यूरियोसिटी। एंड देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल लर्नर्स को आप जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और थोड़े से जो है एडवांस लर्नर्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ बताकर, कुछ एक्टिविटी बताकर उनको उनसे क्वेश्चंस ले सकते हो। दे कैन ऑल्सो फ्रेम क्वेश्चंस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वेर यू एक्चुअली एक्सप्लेन विथ एन इंटेंशन टू कवर द कोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, वेर यू वॉन्ट टू सी द चाइल्ड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन। सो कॉम्प्रिहेंशन पूरा यहीं पर होता है, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। हाउ डू यू एक्सप्लेन इज इम्पॉर्टेंट हियर। कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कौन से तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, और 21st century स्किल्स को इधर लेकर आ रहे हो, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो फॉर लैंग्वेजेस इन एक्सप्लेनेशन यू विल गो विथ यू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड। इफ इट इज अ ग्रामर टॉपिक देन अकॉर्डिंगली वहाँ पर ग्रामर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, किस मेथड से आप पढ़ाते हो? ओके, यू कैन गेमिफाई, गेमिफिकेशन इज अ मेथड, लाइक यू थ्रू गेम्स यू कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड। सेकेंडली, यू नो इन एनी इनोवेटिव इन लैंग्वेजेस इनोवेटिव मेथड इज रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ द फर्स्ट थिंग विच यू कैन फॉर 3 months। अब आने वाले 3 महीनों में आप ये करिए कि रोल प्ले ले लीजिए, ग्रुप एक्टिविटी ले लीजिए, ठीक है, एंड देन
फॉर अदर सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज़, वहाँ पे आप जो है इंक्वायरी बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और काइनेस्थेटिक लर्निंग में जहाँ पे वहाँ पे भी आप कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवा सकते हो। ये हो गया एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल अभी स्टार मार्क करके रखना है, दैट इज़ TLMs। हाउ आर यू यूजिंग द TLMs? विच TLMs आर यू यूजिंग? दैट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स के लिए क्या आप चार्ट्स वगैरह कुछ बना रहे हो? काइनेस्थेटिक लर्नर्स को आप कुछ एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हो, अभी जो डिस्कस हुआ था। ओके, रीडिंग राइटिंग का अगर से आप कोई मटेरियल लेके पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बच्चों को दे सकते हो तो वो, और काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, ऑडिटरी सुनने वाले बच्चों के लिए, सुन के समझने वाले बच्चों के लिए आपके पास क्या है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि टीचर एक इमेजिनरी बैग को तसव्वुर करे और उसके अंदर चार लेवल्स के, चार जो है बने हुए हैं, ओके, कंपार्टमेंट्स, और उसमें एक एक उसमें आप वो क्या TLM कैरी करेंगे। टू स्टार्ट विथ, गेट स्टार्टेड विथ टू डिफरेंट TLMs एटलीस्ट इन द क्लास। थ्री इज लाइक एनी वेज दे आर लिसनिंग टू यू, तो ऑडिटरी तो हो रहा है, बाकी उसमें से एक दो चीज़ें तो भी आप कवर करिए। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड इलेबोरेट। यहाँ पे आप बच्चों से जो है थिंक पेयर शेयर एक्टिविटीज़ कराओगे, ठीक है, जहाँ पे आप एटलीस्ट दो बच्चों को जोड़ोगे या तीन बच्चों को जोड़ोगे या अलग अलग ग्रुप वाइज आप एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप वाइज एक्टिविटीज़ भी जो है आपको मालूम है क्लास में स्लो लर्नर्स हैं, एवरेज लर्नर्स हैं, अबव एवरेज लर्नर्स हैं। अगर आप चाहे तो सभी का मिक्स करके ग्रुप कर सकते या फिर स्लो लर्नर्स का एक ग्रुप कर सकते जहाँ पे आप बैठ के उन लोगों को समझाओगे, देन एवरेज और अबव एवरेज को मिक्स करके अकॉर्डिंगली आप उनको एक्टिविटीज़ दोगे। तो अ टीचर शुड हैव अ सेट ऑफ रिसोर्सेज विथ हर। ओके, आजकल जो है अगर एक टीचर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, कुछ रिसोर्सेज रेडी नहीं रखते हैं, तो बहुत ही जो है दैट इज़ यू नो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। आपके पास गूगल ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें फ़ोन में इनबिल्ट है, आप रिसोर्सेज सेलेक्ट करके अपने प्रिंसिपल्स को बोल सकते हैं कि हमको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी प्रिंसिपल अंडर द सन सेइंग दैट डोंट डू एनीथिंग फॉर स्टूडेंट लर्निंग, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। दे डेफिनेटली गिव यू द प्रिंट आउट्स, सो कीप द प्रिंट आउट्स रेडी। फ्लैश कार्ड्स हो या छोटे बच्चों के लिए या जो भी हो, आप कैनवा से कहीं से भी डाउनलोड करके अपने ड्राइव पे रखिए और अपने मैनेजमेंट से बोलिए प्रिंट्स निकालिए, क्लास को एंगेजिंग बनाइए, ठीक है। और इलेबोरेट का मकसद यह है एक्सटेंडेड लर्निंग, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिकली बच्चों से अप्लाई कराने के लिए आप थिंक के पेयर एंड शेयर करा रहे, ठीक है। तो उसमें आप उन लोगों को जोड़ के बिठा रहे। इट कैन बी इन लैंग्वेजेस, अगेन समराइजिंग द स्टोरी, थिंकिंग ऑफ डिफरेंट टाइटल और डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैपिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इन मैथमेटिक्स एंड ऑल, गिविंग देम to solve the problems from the exercises or some other problems, or helping them create a new problem based on this particular explanation. All these things work out. 5E के basis पे हमारा detailed दो बड़े बड़े videos है, आप देखिए। ये मैं सिर्फ एक recap video बना रही हूँ। And the final one is the evaluate segment. Evaluate में you are testing your टीचिंग एज वेल, तो आप अपने आप का भी सेल्फ असेसमेंट इसमें हमेशा रहना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों का असेसमेंट सिंपल जो है सवाल वगैरह पूछ के, क्विज लेकर, ग्रुप्स बने हुए हैं तो ग्रुप वाइज आप सवाल करके या फिर रिकैप को एक माइंड मैप की शक्ल में बोर्ड पे डाल के जो है आप ये इन तरीकों से रिकैप कर सकते हो। जब आपके पास हर मॉड्यूल के लिए इस किस्म की सोच हो जाएगी कि मैं क्या एक्टिविटीज़ करा रही हूँ बच्चों के हिसाब से, डिफरेंट लर्नर्स के हिसाब से, डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैं क्या करा रही हूँ, अगर आप इसमें एम्पावर्ड हो जाएंगे तो आपके क्लासेस बोरिंग नहीं रहेंगे। योर क्लासेस विल बी हाईली एंगेजिंग, इंटरैक्टिव एंड एन्जॉयबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन हम ये चीज़ों पे वर्क नहीं करके बस रैंडमली जाके लेक्चर मेथड से कर लेंगे तो नहीं होगा। सो आई एम अटैचिंग सम रिसोर्स मटेरियल इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू इट। जज़ाकअल्लाहु खैर, एंड होपफुली आने वाले 2 से 3 महीनों तक आप लोग जो है बहुत इफ़ेक्टिव क्लासेस एंड इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग करोगे। जज़ाकअल्लाहु खैर। साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस।